अस्सलाम वालेकुम खातिनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्पे हाल। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज शो का आगाज कर रहे हैं अमेरिका में कोरोना के खौफ से फंसी हुई मारूफ अदाकारा मीरा जी के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू से। हाय मीरा जी। हाय गाइस। हाय 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 मीरा जी, मेरी तरफ से भी हाय। ओ, ये अनलिमिटेड गाइस भी बैठा हुआ है। जुनैद साहब, सबसे पहले तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि आपका जो टेलीविजन है वो HD है। क्यों ये क्यों पूछ रही हैं? आई एम सॉरी, मेरे पास इस वक्त HD टीवी वाला मेकअप का सामान नहीं था, इसलिए मैं फिर सिंपल मेकअप करके ही बैठ गई हूँ। वैसे तो बाय ब्लेसिंग ऑफ गॉड आई फील क्यूट विदाउट मेकअप। अभी ये आपका सिंपल मेकअप है, अगर आपने HD मेकअप किया होता तो फिर तो वो आए। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मैं ये करना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट फ्लाई माई फन। फ्लाई माई फन, मेरा मजाक ना उड़ाए। अच्छा जी। बिकॉज आई एम अलोन इन माई होटल रूम एंड फियर इज टचिंग टू मी। फियर इज टचिंग, मुझे डर लग रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। जुनैद साहब, आप तो माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, आपको तो बात को फौरन समझ लेना चाहिए। नहीं मीरा जी, आपकी अंग्रेजी को समझने के लिए कुछ 6 दफा PhD करनी पड़ती है अंग्रेजी में। आई एम सॉरी, मैं चुके कुछ अमेरिका का भी फील कर रही हूँ एटमोसफियर, इसलिए मैं थोड़ा सा टिपिकल बोल जाती हूँ। आई एम सॉरी। एक तो मीरा की अंग्रेजी, ऊपर से अमेरिकन मीरा की अंग्रेजी। जुनैद साहब, इसे ही कहते हैं ना, सुहागा ऑन गोल्ड। सुहागा ऑन गोल्ड, सोने पे सुहागा। तो बात ये है कि आई एम अलोन इन माई होटल रूम एंड 32 इज ऑफ। है बत्ती बुझी हुई है। अच्छा ठीक है ठीक। एंड इट्स हॉररेबल एटमोसफियर। हॉररेबल, ओ माय गॉड, काश मैं अमेरिका होता ताकि हॉररेबल हो जाता। सो जुनैद साहब, आप चूंकि प्राइम मिनिस्टर के बडी हैं, यू आर बडी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाउ डू यू नो दिस? आई नो जुनैद साहब, मैं भी PTI की नायब प्रेसिडेंट रह चुकी हूं। ओ खैर, ओ गुड। ये तो उन्होंने मुझे रखा नहीं था, इसलिए मैं निकल गई। तो मैं रिक्वेस्ट करनी चाहती हूं आपसे कि प्लीज, मेरा चूंकि ओवर स्टे यहां हो गया है, दैट्स वाई मेरा बजट खत्म हो गया है। दैट्स वाई जुनैद साहब, आई एप्लीकेशन टू यू, यानी मैं आपसे दरखास्त करती हूं कि प्लीज टेल टू प्राइम मिनिस्टर, प्लीज सेव योर स्टार ऑफ कंट्री। जहाज भेजें फौरी तौर पे, स्पेशल आके वो मुझे यहां से लेके जाए, क्योंकि मेरे पास बजट बिल्कुल खत्म हो चुका है। मीरा जी, आप कह रही हैं मेरे पास बजट खत्म हो गया है, हमने यह वीडियो देखी है, आप बारबेक्यू कर रही हैं, कुकड़ उड़ा रही हैं, ये सब क्या है? ये सब मेरे को कसम चुका लो, कुकड़ गली चो चुके सर। ये क्या एडमिट कर रही हैं आप? जुनैद साहब, आप इससे कहीं ये ना सोच लीजिएगा कि आपके जीजा जी कुकड़ चोर हैं। वो हमारे एक मोहल्ले के लड़के ने गली से कुकड़ पिकअप किए थे। एक आध कुकड़ पिकअप किया था या पूरी पिकअप में पिकअप किए थे? जुनैद साहब, पिकअप मीन्स उठाए थे। अच्छा। उस बच्चे का भी कसूर नहीं है। हुकूमत कह रही थी कि एवरीथिंग लॉकडाउन, तो वो कुकड़ गली में फिर रहा था, तो उस लड़के ने फिर कुकड़ लॉकडाउन कर दिया। फिर हमने उस लड़के से फ्री में बाई कर लिया। और फिर नवीद ने मुझे कहा कि मीरा प्लीज किल द मिनट एंड कुक इट। किल द मिनट, मिंट मारते नु पका फटा। कमाल अंग्रेजी है, कमाल। एज यू नो, इंग्लिश इज द ओनली टंग विच कम टू मी इजिली। क्या फरमाया भला? क्या कहते हैं? मुझे कह रही है कि सिर्फ अंग्रेजी वह जुबान है जो मुझे आती है। अच्छा, यू अंडरस्टैंड जोनी, यू अंडरस्टैंड, नो अदर टंग कम्स टू यू? येस, आई स्पीक उर्दू ओनली फॉर रनिंग द वर्क। रनिंग द वर्क, कम चलाने उर्दू बोलनी है।
मीरा जी आप ये तो बताएं, आप अमेरिका फिल्म बनाने के लिए गई थी? यस अमानत मून साहब, अमानत मून आई तो मैं इधर फिल्म बनाने की वजह से थी, मगर ये कोरोना वायरस की वजह से माय फाइनेंसर इज गो टू हेयर देयर है, हेयर देयर मेरा फाइनेंसर इधर उधर हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा मीरा जी फिल्म तो आप पाकिस्तान में भी बना रही थी। बस अनफॉर्चुनेटली इन दैट फिल्म हुमायूं सईद गिव मी आंसर क्लीनली, हुमायूं सईद ने साफ जवाब दे दिया। अच्छा सो फॉर मी कोरोना एंड हुमायूं सईद इज सेम फॉर मी। डोंट वरी मीरा जी, आप मुझे लेके फिल्म बनाए। तुम्हें लेके फिल्म तो नहीं बन सकती है, न्यारी बन सकती है। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज डोंट फ्लाई बाय फन। इस वक्त आई एम इन टेंशन, यू नो माई हैंड्स एंड फुट्स आर एयर टाइट, मेरे हाथ पैर फुले ने। तो मीरा जी आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। तू ज्यादा ना बोल, तू तो पूरा फुले। अच्छा मीरा जी आपने ये शिकवा भी किया है कि आपके हिस्से का काम मायरा खान को दिया जा रहा है। येस ऑफ कोर्स आई एम मोर टैलेंटेड टू हिम एंड मोर एक्टिंग कम्स टू मी। आपको ज्यादा एक्टिंग आती है। ओ येस एंड आई एम टू स्मॉल फ्रॉम मायरा खान। टू स्मॉल? येस बहुत छोटी हूं। अच्छा येस I only saw few springs of life. Oh, क्या कह रही है? क्या कह रही है? मेरी मैंने भी जिंदगी की थोड़ी सी बाहरें देखी। जुनैद आप तो जानते हो, आपके तो सामने मैं बड़ी हुई। मीरा जी मैं आठवीं में पढ़ता था जब आपकी पहली फिल्म लगी थी। हुए उसी तो सुने नहीं सौ। तो मेरी उम्र भी बताए ना, उस वक्त मैं चाइल्ड स्टार थी। मीरा जी अब क्यों आरा के साथ मुकाबला शुरू कर देती हैं? अभी कुछ अर्सा पहले वो टिकटॉक गर्ल्स ने शेख रशीद के साथ अपनी कॉल्स वायरल की हैं, आपने फौरन अपनी पुरानी तस्वीर उठा के शेख रशीद के साथ वो ठोक दी है मीडिया पे। जुनैद साहब कौन सी पुरानी तस्वीर? हाँ आप देखें तो सही जरा, शेख साहब की उस तस्वीर में और ये जो नई शेख साहब की तस्वीरें हैं उनमें देखें हेयर स्टाइल का जरा भी फर्क नहीं है। तो जुनैद साहब वो टिकटॉक गर्ल्स हो या मायरा खान हो, आई डोंट हैव एनी ज्वाइंट। डोंट हैव एनी ज्वाइंट? मेरा कोई जोड़ ही नहीं। अच्छा अच्छा मीरा जी आपने एक बड़ी परेशान मन बात की है, आपने कहा है कि आपके पास सिर्फ $300 है और पाकिस्तान वापस आने की टिकट $3,000 है, तो कैसे वापस आएंगी आप? चिंची में बैठ के। ना जने सब इस तरह ना करो, मीरा जी वाहद इंसान है दुनिया की जिन्हें इंग्लिश सानू तिना भी समझ आ रही है। अच्छा मीरा जी ये पिछले दिनों आपने एक बच्चे के साथ भी एक तस्वीर शेयर की है इंस्टा पे और नीचे लिख दिया माय चाइल्ड, ये क्या चक्कर है? इट इज नॉट एनी राउंड अबाउट, इट इज माय फ्यूचर प्लानिंग। बट इन दिनों तो मैं मूवी के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हूं। अच्छा मीरा जी मुझे मूवी से याद आया, आपने ये भी कहा है कि ऋषि कपूर साहब आपके साथ काम करने के फिल्म में ख्वाहिशमंद थे, ये क्या मामला? ओह यस, आप यकीन माने जुनैद, ऋषि जी ने कई दफा कहा था कि मीरा मैं आपके साथ फिल्म में हीरो आना चाहता हूं। लेकिन आपने उनकी जिंदगी में ये बात क्यों नहीं की? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था। ओह कि ये राज तुमने सीक्रेट ही रहने देना है। अच्छा जब फिल्म लगेगी तो फिर लोगों को पता चलेगा, अदरवाइज इसको राज ही रहना चाहिए। तो कौन सी फिल्म बनाना चाहते थे वो आपके साथ? अब चूंकि वो जा चुके हैं इसलिए मैं राज फाश कर रही हूँ, वो मेरे साथ मिलके तो बॉबी टू बनाना चाहती थी। तो बॉबी टू में आप बॉबी की वालदा का रोल प्ले करना चाहती थी? ऐसा मैंने लगता या तो थोड़िया अखा च कुकरे पे या जेडे टीवी ते मैं आ रही हूं ये कुकरे पे। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आपका एचडी टीवी है कि
जुनैद साहब वो मुझे फिल्म में हीरोइन लेना चाहती थी। अच्छा, हाँ जी फिल्म की हीरोइन भी है तो महल्ले कमेटियां भी पाँदी, पार्ट टाइम वीसीआर भी किराए से दी। महलेदार कहते बाजी बोबी को वीसीआर लिया वो किराए मोन उतो चढ़न वाला है जून, तेरा क्यों हो गया सफेद खून, जे असी तेन मोन मानने तो तू मैं हीरोइन क्यों नहीं मानता। जूनी प्लीज आइंदा मुझे एचडी टीवी पे बुलाना, मैंने सादे टीवी पे नहीं आना। छोड़े मीरा जी एचडी टीवी को, जिस तरह की इस वक्त आप लग रही हैं ना, ऐसी तस्वीरें अखबार में सिर्फ इस कैप्शन के साथ छाया होती हैं, बिल आखिर मुख्तारा बिच्छू पुलिस मुकाबले में मारा गया। आई एम सॉरी, ये कौन है स्टूपिड मुख्तारा बिच्छू? जुनेद मैंने तो मुख्तारा माई का रोल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि उसके साथ माई लगता है, हालांकि ही इज यंग लेडी। छो मीरा जी, इन्होंने फिल्मा शिल्मा असी तो थोड़े बगैर बोर हो गए हैं। मेरे बगैर बोर तू मेरे ना लूडो खेडनी है। मीरा जी ये दसो आखिरकार तुसी वापस ही आना जे? तेरा फिटे मुंह वापस ही आना है, अमरीका के अगे तो कोई मुल्क भी नहीं कि बंदा अगे टुर जाए। ना जी, नहीं आवे लेने, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।